एनटीपीसी देश की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी ही नहीं, ये देश की तरक्की में भागीदार एक ऐसी कंपनी है जो विकास की धार को रफ्तार देने के लिए प्रतिबद्ध है। देश ही नहीं, दुनिया की अग्रणी विद्युत कंपनियों में शामिल एनटीपीसी रोज नए कीर्तिमान बना रही है। इसके साथ एनटीपीसी ने अब अपने कदम हाइड्रो क्षेत्र में भी मजबूती से रख दिए हैं। एनटीपीसी कोर डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की नींव विश्व पर्यावरण दिवस के दिन यानी 5 जून 2000 को पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रखी गई। ओपन डेफिकेशन इन इंडिया स्टार्टेड विद द एडवेंट ऑफ न्यू सिविलाइजेशन। इन इंडिया द मैनुअल क्लीनिंग ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा बाय पीपल started 5,000 years ago. Mahatma Gandhi, the father of nation, wanted to get relieved the scavengers from this inhuman and unhealthy occupation and bring them in the mainstream of society. More than 2.5 billion population across the world do not have access to safe and hygienic toilets. India is a country of more than a billion people. 600 million people practice their open defecation. 50th anniversary of battle honor. Asaluta. Hindustan ki aan baan aur shaan ki prateek. Apni bahaduri, adamya sahas aur jazbe se desh mein apni ek alag pehchan banane wali. युद्धों में अपने जौहर का प्रदर्शन करने वाली 7th बटालियन द मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट वन डोगरा को हम सैल्यूट करते हैं और इस बटालियन के युद्ध सम्मान असल उत्तर की 50वीं सालगिरह के शुभ अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। The valley of Kashmir is bestowed with breathtaking natural beauty that can mesmerize anyone. And located deep within the folds of this beauty is one of the toughest terrains of Kashmir, Mavar Valley. The Indian Army, as part of its outreach initiative to motivate, educate, empower and expand the horizons of young children of the Mavar Valley. For those ready to face a challenge. For the open-minded who dream big and go bigger. देखो भाई, अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। गांव वासियों, मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना है। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया है। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। भाइयों और बहनों, मैंने आप सबकी बातों को
ध्यान से सुना है और आपकी समस्याओं को हमारी सचिव महोदया ने नोट कर लिया है। जो योजनाएं यहाँ पहले से चलाई जा रही हैं, उसका भी ब्यौरा हम अभी लेंगे। वेलकम टू BHP Billiton, न्यू दिल्ली। At BHP Billiton, New Delhi, we are committed to health, safety, environment and community. It is our goal to achieve zero harm to our employees, contractors, visitors, the environment and the communities in which we work. As employees of BHP Billiton, this begins with zero harm to you. This video will familiarize you with our in-house safety emergency procedures and office policies. If you have any questions after watching this video, please contact your host for assistance. The building has one entry and one exit, separately located on Connaught Place Outer Circle Street and Parliament Street. The main lobby is open from 6 a.m. to 10 p.m. Monday to Saturday. सृष्टि के अबूझ रहस्यों में से एक है इस पर अंकुरित होने वाला जीवन। बदलते समय के साथ जीवन क्रम भी आगे बढ़ा और सभ्यता का विकास भी। सभ्यता की गोद में पलकर संस्कृति भी बड़ी हुई। आचार व्यवहार के ताने बाने में बुनकर इसे एक मुकम्मल पहचान मिली। अफ्रीका और एशिया जैसे महाद्वीप इस महंगी निष्पादन प्रणाली का बोझ उठा सकने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि सीवर प्रणाली के निर्माण और संचालन के लिए काफी धन की आवश्यकता होती है। सेप्टिक टैंक प्रणाली में भी मैनुअल स्क्वैवेंजिंग की जरूरत पड़ती थी। एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए महिला और पुरुष दोनों की आवश्यकता होती है। इन दोनों में से किसी एक की भी कमी हुई तो सामाजिक ढांचा बिगड़ जाएगा। मनस भी साथ दे रहे, मैं अपने मनसाना भी समझा रही हूँ, बहुआ ना भी समझा रही हूँ, भैया भ्रूण हत्या एक है माड़ा काम से। कन्या भ्रूण हत्या के लिए मैंने सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया है और अब तक मैं 35,000 सिग्नेचर करा चुकी हूँ। पंचायत और ग्राम सभा ने जन जागरण अभियान को आधार बनाकर सबसे पहले ग्राम वासियों की मदद से इस समस्या पर रोक लगाने की योजना बनाई। NTPC Limited has emerged as a producer of major diversified power with a presence in the entire value chain of the power generation business. NTPC is well on its way to becoming an integrated power major, is more than 42,000 megawatt. It has been conferred with the status of a Maharatna company with a mission to provide reliable power in Odisha. Talcher Super Thermal Power Station was started in the year 1989. In a small village of Kaniha, in the land of Lord Jagannath. This station is the second largest of all the NTPC power stations. A magnificently carved reclining image of Lord Vishnu, popularly known as Anant Shayan, is located inside the plant premises. This has been declared as an archaeological site. The station considers the preserver has given a protective spirit and divine urge to the employees working in Kaniha. आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से प्रगति का एक और चक्र राष्ट्र के नाम समर्पित किया जा रहा है। परियोजना का प्रथम चरण 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने वाला पूर्णतया स्वदेशी प्लांट है। मौदा थर्मल पावर प्रोजेक्ट
प्रतिदिन 240 लाख यूनिट बिजली उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इसकी कुल लागत 5460 करोड़ रुपए है। ये ऊर्जा महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेशों के नागरिकों की बिजली की जरूरतों की आपूर्ति करता है। एनटीपीसी मौदा के द्वितीय चरण में 1320 मेगावाट की भारत में निर्मित सुपर क्रिटिकल यूनिटों का निर्माण कर रही है। इसकी कुल लागत 7921 करोड़ रुपए है। स्टेज 2 द्वारा उत्पादित 320 लाख यूनिट बिजली राष्ट्र की प्रगति में योगदान करेगा। एनटीपीसी 43128 मेगावाट क्षमता के साथ भारत की सबसे अधिक विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनी है। आज एनटीपीसी भारत की समस्त विद्युत क्षमता का लगभग 25% उत्पादन कर रही है और सभी को ऊर्जा शक्ति उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री के स्वप्न को साकार करते हुए विकास की दिशा में योगदान देने के लिए अग्रसर है। झारखंड राज्य में एनटीपीसी की प्रथम विद्युत परियोजना के कार्य का शुभ आरंभ आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस पावर प्रोजेक्ट की क्षमता 1980 मेगावाट है, जिसकी कुल लागत 14,366 करोड़ रुपए है, जिसमें 660 मेगावाट की 3 अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिटों का निर्माण किया जा रहा है, जो उच्च पर्यावरण मानक पर विद्युत का उत्पादन करेगी। इस परियोजना में पहली बार एयर कूल कंडेंसर का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे पानी की खपत बहुत कम हो जाएगी। एनटीपीसी भारत की एक महारत्न कंपनी है, जिसकी वर्तमान उत्पादन क्षमता 43,128 मेगावाट है। इस प्रोजेक्ट की आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुई थी, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से इस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हो सका। इस परियोजना का निर्माण वित्त वर्ष 2017-2018 में पूरा होगा। मैं जादूगर पाशा, मैं कर दूं चीजों को दुगना। देखो इसका एक नमूना, क्लिक 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 क्लिक, बजाओ ताली। जादूगर अंकल, मेरे घर में रोज पानी खत्म हो जाता है, क्या आप उसे भी दुगना कर सकते हैं? हंसिए मत, क्योंकि ऐसा सबके घरों में होता है। आमतौर पर हम नल खुला रखकर कार धोने, दाढ़ी बनाने, नहाने या सब्जियां कपड़े धोने में कई गुना पानी बेकार बहा देते हैं। इन कामों में बाल्टी में भरे पानी का उपयोग कर लीकेज और पानी की टंकी ओवरफ्लो ना होने देकर रोजाना सैकड़ों लीटर पानी बचा सकते हैं। जल से ही जीवन है, बिन पानी सब सूना। सही तरह से खर्च करो तो चलता पानी दूना। क्यों चुनमुन, हो गया ना पानी दुगना। पंडित जी, मेरी और मेरे भाई की बराबर की जमीन है, लेकिन वो मालामाल हो रहा है और मैं कंगाल। मेरी भाग्य रेखा देखकर बताइए ना। दयाराम, ये भाग्य का नहीं, तुम्हारे काम के तरीके का दोष है। तुम्हारा भाई फसल चक्रानुसार खेती करता है, माइक्रो पद्धति से सिंचाई करता है और वर्षा के पानी का संचय भी करता है, जो वर्षा काल के बाद काम में आता है। तुम ज्यादा पानी सोखने वाली फसल बोते हो। जानते हो, खेत में जल भराव से जमीन खराब होती है और फसल भी घटती है। समझ गया पंडित जी, अब मैं फसल चक्र अनुसार ही खेती करूंगा और सिंचाई के लिए माइक्रो विधि अपनाऊंगा। वर्षा जल की एक बूंद भी बेकार नहीं जाने दूंगा। अब तुम्हारा भाग्य बदलते भी देर नहीं लगेगी। जी। सदा सही तकनीक बनाए, जीवन को खुशहाल बनाए। दयाराम तो समझ गया, आप अपना भाग्य कब संवारेंगे। अरे अरे, बारिश तो आ भी गई। चलो भागो भागो भागो, अरे बारिश यहीं रहने दो। चलो चलो। लो, इस बारिश को भी अभी बरसना था। अरे घर का सारा काम पड़ा है, इस पानी से कब छुटकारा मिलेगा हमें। अरे माँ कहाँ है, हमारी बाल्टी तो ये पड़ी है। वो रही माँ, यह इतना पानी बेकार जा रहा है, मैं ही थोड़ा पानी इकट्ठा कर लेता हूँ। देखो सोनू को, वाह क्या अक्कल लगाई है सोनू ने, बारिश के पानी से काम चला लिया। लो ये काम क्यों ना हम भी करें।
आशा जल को रखे संभाल।